वेलकम टू सेतास कुकरी क्लासेस। आज आप और हम मिलकर बनाएंगे भिंडी का ठेचा और मल्टीग्रेन से पूड़ी। आपने इस तरह की सब्जी बनाकर नहीं खाई होगी, सभी लोग अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, इस पूड़ी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। भिंडी का ठेचा बनाने से पहले हम पूड़ी का डो लगाएंगे। एक बोल में 2 कप आटा, आधा कप सूजी, आधा कप बेसन, आधा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच गरम मसाला, 1 पिंच हींग, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और आधा चम्मच अजवाइन लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पूड़ी जैसा डो लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। हमने डो लगा लिया है, अब हम 1 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल लगाने से डो ड्राई नहीं होता है। इतना टाइट डो लगाएंगे तो पूड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसे प्लेट से कवर करके आधे घंटा रेस्ट के लिए रखेंगे। अब हम भिंडी का ठेचा बनाएंगे। भिंडी का ठेचा बनाने के लिए कच्ची भिंडी चाहिए। बहुत ज़्यादा पक्की भिंडी से ठेचा टेस्टी नहीं बनता है। अब हम इसे काट करके तैयार कर लेंगे। भिंडी का ठेचा बनाने के लिए हमने 300 ग्राम भिंडी को बड़े साइज में काट करके तैयार कर लिया है। 2 हरी मिर्च को काट लिया है, 5 लहसुन की कलियाँ और आधा कप धनिया लिया है। भिंडी का ठेचा आयरन की कढ़ाई में काफ़ी अच्छा बनता है। अब हम 1 छोटी चम्मच ऑयल लेंगे, इसमें मिर्च और लहसुन डालकर इसे कुछ सेकंड भून लेंगे। अब कटी हुई भिंडी डालेंगे, इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हल्के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। भिंडी को पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, यह हल्की सॉफ्ट हो गई है। गैस फ्लेम को बंद करके इसे एक प्लेट पर निकाल देंगे और रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। हम 1/4 कप मूंगफली लेंगे, ये सॉल्टेड पीनट है, इसे हल्का क्रश कर लेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। भिंडी ठंडी हो गई है, इसे खरबट्टा में डालेंगे। 2 बड़े चम्मच धनिया डालेंगे, धनिया फ्रेश होना चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे, इसे हल्का ही क्रश करेंगे। इस तरह से क्रश करके बनाएंगे तो भिंडी का ठेचा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आपके पास खरबट्टा नहीं है तो आप सिलबट्टे पे भी क्रश करके बना सकते हैं। मिक्सी में अच्छा क्रश नहीं होता है। आप देख सकते हैं भिंडी को इतना ही क्रश करके तैयार करना है। इसे एक बोल में निकाल लेंगे और बाकी बची भिंडी को भी क्रश करके तैयार कर लेंगे। उसी कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम 1 पिंच हींग, 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच क्रश किया हुआ धनिया, 1/4 चम्मच क्रश की हुई मूंगफली और 2 बड़े चम्मच ओट्स लेंगे। ओट्स ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे कुछ सेकंड भून लेंगे। अब हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम क्रश की हुई भिंडी को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जो भी भिंडी का ठेचा खाएगा वो अंगुलियां चाटते रह जाएगा। इसे आप परांठा और पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। भिंडी ठेचा को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक लेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। भिंडी ठेचा बन करके तैयार हो गया है। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। 1 चम्मच लेमन जूस डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। भिंडी ठेचा तैयार हो गया है। अब हम पूड़ी बनाएंगे। इस डो को रखे हुए 1/2 घंटा से ज़्यादा हो गया है। इसे 1-2 मिनट अच्छे से मसल लेंगे। इस डो से छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे। सभी लोई से पेड़ा बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि पेड़ा ड्राई ना हो। इन्हें कवर करके रखेंगे। एक पेड़ा लेंगे, इसे हल्की मोटी पूड़ी की साइज़ में बेल लेंगे। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, पूड़ी को डाल देंगे। इसे ऊपर की साइड से हल्का प्रेस करेंगे। पूड़ी फूल गई है, इसे लो फ्लेम पर कर देंगे। ये पूड़ी क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी क्रिस्पी करेंगे। ये पूड़ी आलू भिंडी और छोले के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल देंगे और बची हुई पूड़ियों को इसी तरह से डीप फ्राई करेंगे। अब हम भिंडी ठेचा के साथ पूड़ी को सर्व करेंगे। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं? यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।